शादी के 9 सालों में मैं आज तक कभी सावन में मंदिर नहीं गई। चलो चलो आ जाओ, होटल वाला खाना रेडी है, कढ़ी चावल, जल्दी आओ बेटा। मेरी बेटी को उसका प्यार एकदम टपक टपक रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय लिटिल फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सावन का पहला सोमवार ही है और मैं रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन साड़ी भी, क्योंकि हम लोग जब बाबा धाम जाते हैं तो हम लोग भोले बाबा के लिए ऑरेंज ही कपड़ा पहनते हैं। और सावन में तो आपको पता ही है कि सारी औरतें हम लोग ग्रीन चूड़िया और ग्रीन साड़ी पहनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अभी तक हरी चूड़िया नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली हरी चूड़िया थी नहीं, तो मैं जाके मार्केट से हरी चूड़िया लेके आऊँगी, उसके बाद हरी चूड़िया पहनूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए। तो हमारे वीडियो में आगे तक बने रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं गौ माता के दर्शन करने के लिए। तो हमारे घर तरफ गाय जल्दी मिलती नहीं है, हम लोग को दूर जाना पड़ता है गली उली में जहाँ घूमते रहती है। चलिए हम लोग ढूंढते हैं गौ माता को। तो हमारे गौ माता के दर्शन यहाँ इजीली नहीं होती है, हम लोग को ढूंढ कर ही उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, आखिरी रोटी हम लोग कुत्ते को खिलाते हैं। तो देखिए, हमें कुत्ता मिल गया है। देखिए, ये भी नहीं खा रहा है, देख रहा है, मुझे लगता है ये जिसे जानता है उसे ही खाता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं, शायद ये अकेले में खा ले। हमारी मंजिल नज़दीक ही है, क्योंकि मुझे गौ माता मिल गई है, तो हम लोग चलिए चलते हैं। ये देखिए गौ माता को, ये खड़ी हुई है, तो हम लोग चलते हैं उनका आशीर्वाद देने के लिए गौ माता का। फ्रेंड्स, तो हम लोग गौ माता को दर्शन कर चुके हैं, हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए, गौ माता हमारे साथ साथ आ रही है। देखिए, डॉगी भी अपना रोटी समाप्त कर चुका है, मैं बोली थी ना कि अकेले में ये खा लेगा। मैं अपनी बड़ी बेटी के यहाँ आने का स्कूल से वेट कर रही थी। देखिए, स्कूल से आके वो क्या कर रही है, सबसे पहले नहा रही है। स्कूल से आई है, सीधे यूनिफॉर्म खोली है और नहा रही है। क्या नहा के नहीं गई थी कि नहा रही हो? डेली नहा के जाती है और फिर भी आके नहाती हो? ऐसा कोई करता क्या? चार बार नहाया जाता है। तब नहा के गई थी, तब फिर क्यों नहा रही हो? जल्दी नहा के निकल, इसी में टाइम वेस्ट करती है। तो गर्मी का ये समाधान नहीं ना कि आदमी दिन भर नहाएगा। और देखिए, छोटी वाली कैसे एंजॉय कर रही है इसको देखकर। तुम क्या दीदी को देख रही हो? जल्दी नहा के आओ। बस मेरी बेटी लोग का कड़ी बड़ी रेडी होने वाला है, फिर झटपट हम लोग खाना खाने बैठेंगे। मेरा कड़ी बड़ी रेडी होने वाला, लेकिन मेरे बच्चे लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। अभी तक वो लोग का स्नान ही पूरा नहीं हुआ। देखिए, मेरी बेटी को उसका प्यार एकदम टपक टपक रहा है, क्योंकि उसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है और ये कढ़ी चावल का नाम सुन के मुझे ज़्यादा प्यार जता रही है। नहीं, हाँ, इतना पसंद है कढ़ी चावल, देख रहे हैं, कढ़ी चावल इतना पसंद है कि मम्मा को इतना प्यार कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी चावल, कढ़ी भी रेडी हो गया है। अब हम लोग जाते हैं गर्मा गर्म कढ़ी और चावल बच्चों लोग खिलाने के लिए। देखिए, इतना अच्छा लग रहा है, बिना दही का ये बहुत टेस्टी लगता है, इमली डाल के बनाती हूँ। तो चलो चलो आ जाओ, होटल वाला खाना रेडी है, कढ़ी चावल, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। तो मेरे बच्चों को ऐसे बुलाना पड़ता है। तो ये मेरे बच्चे बैठ चुके हैं। अब ये जो बड़ी है ना, बड़ी को ये मेरी बेटी क्या बोलती है, इसको बोलती है लड्डू। ना सी लड्डू है ना, लड्डू है ये। अरे इसको, देखिए लड्डू कैसे खा रही है, इसका लड्डू नाम दिए नहीं। पता है फ्रेंड्स, शादी के 9 सालों में मैं आज तक कभी सावन में मंदिर नहीं गई। मतलब आपको लग भी रहा होगा कि सावन में आज तक मंदिर नहीं गई, ये सही बात है। मैं सावन में आज तक घर में ही पूजा करती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे थे जब शादी हुई थी, तो एक्चुअली उस समय नई शादी थी, तो बाहर जाना अलाउ नहीं था। और उसके बाद बच्चे छोटे, ये नहीं करो बेटा, उसके बाद बच्चे छोटे छोटे और घर में कोई नहीं, तो बच्चों को संभालना, उसके बाद इसका स्कूल, तो इसे सुबह उठाना है, इसे भेजना है, तो मंदिर जाने का टाइम नहीं, उसके बाद ये छोटी सी बेटी मेरी, और घर में ताला लॉक करके जाना ही पड़ता है, इसीलिए मुझे घर में ही पूजा करना पड़ता है। खैर, घर में ही पूजा करना कोई दिक्कत बात नहीं है, भगवान सब जगह है ना बेटा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना बेटा।